सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम फिर से एक नई चीज लेकर आए हैं। क्या लेके आए हैं आज हम? कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं? आज का विषय हमारा है सुलभ सुलेख, यानी कि हम राइटिंग करने वाले हैं। किसकी राइटिंग करने वाले हैं? हिंदी की। और हिंदी की राइटिंग में आज हम क्या सीखने वाले हैं? बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा? ई की मात्रा, ई से ईख। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ई की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं। तो चलिए अब हम इसे पहले पढ़ते हैं। पढ़े पढ़े, आपको दिख रहे हैं शब्द? चलिए अब हम पहले इसे पढ़ते हैं। तो पहला शब्द हमारा क्या है? खीर। खीर, खीर सबको पसंद है। खीर। कील, बड़ी ई, ई खीच, ई का साउंड जो हमारा आ रहा है वो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो कील, बड़ी। पली, नानी। चीर, झील। छड़ी, कली। काकी, तीर। चीन, लड़ी। चली, चाची। और नीर, नील। चढ़ी, टली, लाली। दीदी, पानी। गली, जीन। और पीर। ये तो हो गए हमारे ई की मात्रा वाले शब्द। अब आज हमें क्या करना है? आज हमें सुलभ सुलेख करना है, राइटिंग करनी है। तो राइटिंग के लिए हमें क्या करना है? पेज नंबर 14 अपनी बुक में ओपन करेंगे। कौन सा पेज को ओपन करेंगे? पेज नंबर 14। ओके, पेज नंबर 14 ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं चित्र? दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे? पहला चित्र कौन सा है? कौन कौन से चित्र दिखाई दे? तीर, खीरा, लीची, ककड़ी, लकड़ी, पपीता, कमीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हमें क्या करना है? पहले इसे ट्रेस करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो ये है तीर। र, तीर। फिर खीरा, ख, खी। रा, खीरा, ख प्लस ई प्लस रा, खीरा। फिर लीची, ली प्लस ची, लीची। ठीक है, ये क्या है? कमीज, क म ई ज, कमीज। फिर है पपीता, ठीक है। फिर क्या है? लकड़ी। लकड़ी का चित्र दिख रहा है आपको? हो गया लकड़ी। क्या अब क्या है? अक्षर और मात्रा जोड़कर हमें क्या बनाना है? शब्द बनाना है। जैसे हमने ऊपर करा था
वैसे ही हमें नीचे भी करना है। तो क्या है, ख प्लस ई प्लस र, ये शब्द तो भी हमने कहीं पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? यस, हमने कहाँ पढ़ा था, वो जो बॉक्स में हमने अभी रिवीजन में वर्ड्स पढ़े हैं रिकॉल करें, उसी में तो हमने पढ़ा था। तो ख प्लस ई प्लस र क्या बन गया, खीर। तो चलिए अब इसे लिखते हैं, ख ई र खीर। अब न ल ई नली, ठीक है नली। फिर पीतल, फिर बनता है पनीर, पनीर तो सबको पसंद है ना। फिर बनता है तरकारी, तरकारी मीन्स वेजिटेबल्स। ओके अब यहाँ पे ये चीज मैम नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद करेंगे। ओके जैसे यहाँ पे करा है वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी भरेंगे। चलिए आप निकालिए पेज नंबर 15 में क्या है, पढ़िए और लिखिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है। शीला लीची लाई, शीला क्या लाई, लीची लाई। तो हमें इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, हमें ट्रेसिंग करनी है और फिर से लिखना है। तो चलिए हम ट्रेसिंग करते हैं, शीला लीची ऑफिस के अंदर क्या लगाना, पूर्ण विराम। ठीक है तो ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, मीना छतरी रख। तो ऐसे हमें इसे भी ट्रेस करना है और फिर हमें इसे लिखना है। जैसे यहां पे हमने लिखना है शीला लीची लाई, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पे भी बाकी के सेंटेंसेस को क्या करना है, ट्रेस करना है। ओके ट्रेस करके हमें से क्या करना है, लिखना है। चलिए अब ओपन करते हैं पेज नंबर 16, आओ अभ्यास करें। ठीक है कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 16। अब इसमें क्या करना है, चित्र पहचान कर सही शब्द पर गोला बनाइए। अब चित्र को पहचानना है, लेकिन चित्र पहचानने के साथ साथ हमें मात्राओं का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमें मात्राओं का भी खास ध्यान रखना है इसमें। जैसे कली, अब कली है तो छोटी ही भी है और बड़ी ही का वर्ड भी दिया हुआ, लेकिन बोलने में क्या कली क्या है, बड़ी की मात्रा। अब तितली कौन सा आएगा, ये वाला के? पीपल, पीपल तो दिस इज द करेक्ट वन। अब बकरी, ओ बकरी। देन मछली, दिस इज मछली। नेक्स्ट इज ककड़ी, दिस इज
ठीक है, ककड़ी, फिर लकड़ी, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, ई के शब्दों की मात्रा, और उसके बाद हमने शब्द भी सीखे, वाक्य प्रयोग भी सीखा, और हमने इसे क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। तो ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क जरूर टाइम से आपको कंप्लीट करना है। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।